वेलकम टू इंग्लिश स्पीकिंग विद एसजीएस क्लासेस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन हैज बीन, हैव बीन एंड हैड बीन। ठीक है, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन में क्या डिफरेंस होता है वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस हैज बीन और हैव बीन, हमेशा याद रखिएगा has been और have been हमेशा present tense में use किया जाता है। ठीक है, कहाँ use होगा? present tense में। ठीक है, और had been कहाँ use होता है? past tense में। ठीक है, ये सबसे main difference है, ये आपको ध्यान रखना है। has been and have been present tense और had been past tense में use होता है। ठीक है, second difference हम देखते हैं, has been हमेशा, ठीक है नोट कर लीजिए, हैज बीन हमेशा ही शी इट या सिंगुलर पर्सन के साथ यूज होता है। ठीक है, कहां यूज होता है? ही शी इट या सिंगुलर पर्सन। सिंगुलर पर्सन क्या होता है? एक वचन जिसको हिंदी में कहते हैं, जब हम किसी एक चीज की बात करते हैं, एक वस्तु की बात करते हैं, वन पर्सन की बात करते हैं। ठीक है, तो वहां कहां, वहां पे क्या यूज करेंगे? हैज बीन। ठीक है, यहां देखिए हैव बीन कहां यूज करते हैं? हैव हमेशा आई वी यू दे और प्लूरल के साथ यूज होता है। ठीक है, कहां यूज होता है? आई वी यू दे या प्लूरल। प्लूरल का क्या मतलब होता है हिंदी में? बहुवचन। बहुवचन मींस जब एक से ज्यादा पर्सन या किसी वस्तु की बात होती है। ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगी। देखिए अब यहाँ पे, अब अभी हम टाइम की बात करेंगे सिर्फ। ठीक है, सपोज एग्जाम्पल देखिए, देखिए यूज कहाँ होगा टाइम के कॉन्टेक्स्ट में? व्हेन एन एक्शन हैज स्टार्टेड इन रीसेंट प्रेजेंट एंड स्टिल गोइंग ऑन और जस्ट कंप्लीटेड। इसका क्या मतलब है? व्हेन एन एक्शन हैज स्टार्टेड इन रीसेंट, इसका मतलब है जब कोई काम अभी शुरू हो चुका है। ठीक है, रिसेंटली शुरू हुआ है, लेकिन या तो वो अभी भी चल रहा है काम या फिर जस्ट अभी फिनिश हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इसका क्या मतलब है? सुबह से बारिश हो रही है। ठीक है, इट हैज बीन, ये देखिए इट है सिंगुलर है इट। ठीक हैज बीन, मैंने आपको बताया था यहाँ पे सिंगुलर के साथ हैज यूज होगा, तो इट हैज बीन। ठीक है, उसके बाद रेनिंग। ठीक है, ये रेनिंग क्यों आया? ये जब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कराऊंगी तब पूरा आपको रूल उसमें मैं अच्छे से आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, अभी सिर्फ हैज बीन समझिए, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है इसलिए हैज बीन। ठीक है, इट के साथ हैज बीन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग, वो शाम से टीवी देख रहा है, मतलब काम शुरू हो चुका है। ठीक है, एक्शन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इन द इवनिंग बट इट्स स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है, so he has been watching TV since evening, वह शाम से टीवी देख रहा है। क्लियर, अब यहां ही था तो ही के साथ क्या यूज होगा? ये क्या है? he has been। ठीक है, he has been, अगर यहां she होता तो she has been। ठीक है, राम श्याम किसी का नाम, सिंगुलर पर्सन, क्या यूज होता? has been। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? कोई कंफ्यूजन हो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हैव बीन क्या फ्रेंड्स? हैव बीन, अब हैव बीन कहां यूज होता है? हैव बीन प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, और हैव बीन हम कहां यूज करते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं? आई वी यू दे या प्लूरल के साथ। ठीक है, I, we, you, they या plural के साथ use करते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल यूज कहाँ करते हैं, यूज इसका देखो क्या लिखा है मैंने, सेम एज हैज बीन, मतलब इसमें भी वही होगा, टाइम सॉरी एक्शन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड बट इट्स स्टिल गोइंग ऑन और इट हैज जस्ट कंप्लीटेड. ठीक है, डिफरेंस सिर्फ ये होता है ही शी इज सिंगुलर पर्सन और ये आई वी यू दे. क्लियर है? ओके, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. देखिए, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स. दोबारा मैं रिपीट कर रही हूं, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स. देखो आई है, आई क्या है, सब्जेक्ट. ठीक है, आई के साथ क्या यूज होता है, हैव बीन. ठीक है, वर्किंग फॉर 2 आवर्स, वो पिछले 2 घंटे से काम कर रहा है, मतलब सॉरी मैं पिछले 2 घंटे से काम कर रहा हूं या कर रही हूं. ठीक है, इसका मतलब क्या है, काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एक्शन 2 घंटे पहले, और अभी भी कर रही हूं या अभी भी कर रहा हूं. ठीक है, सो दैट मीन्स एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट, आप कल रात से सो रहे हो. ठीक है, यू हैव बीन स्लीपिंग मतलब आप रात को आप सोए थे और अभी भी सो रहे हो. ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, राइट. अब यू हैव यू के साथ हैव बीन, यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट. ठीक है, अब ये सिंस और फॉर पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी. ठीक है, तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का नोटिफिकेशन उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो आए सिंस फॉर की तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. ठीक है, चिल्ड्रन, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. ठीक है, बच्चे सुबह से खेल रहे हैं. ठीक है, चिल्ड्रन है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ मैंने क्या बताया था, हैव बीन, चिल्ड्रन बच्चे, हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया है. ठीक है, मॉर्निंग, और अभी तक खेल रहे हैं. ठीक है, तो प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? ओके, और देखिए, और मैंने कहा था द वर्क हैज जस्ट कंप्लीटेड. ठीक है, सो अगर आपके आपसे बॉस पूछते हैं, जैसे आपने काम कर लिया, यस इट हैज बीन डन, हम क्या बोलते हैं, अगर काम हो चुका है तो यस सर इट हैज बीन डन, तो हैज बीन. ठीक है, अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है. ठीक है, अब देखिए, हैड बीन, हैड बीन कहां यूज करते हैं, पास्ट टेंस में. कहां यूज करते हैं, पास्ट टेंस में. ठीक है, दूसरा डिफरेंस देखिए, हैड बीन हमेशा ऑल सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है. ऑल सब्जेक्ट्स मींस ही शी इट दे आई वी यू, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ. ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता. ओके, अब देखिए इसका यूज कैसे होगा, व्हेन एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट. ठीक है, जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था एंड कॉन्टिन्यूड अप टू अनादर पॉइंट इन द पास्ट, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही वो एक पॉइंट पे फिनिश भी हो गया, वो डन भी हो चुका है काम. ठीक है, नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, इसको एग्जाम्पल समझते तो आपको ज्यादा समझ आएगा. ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए इसके, शी हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years when it went out of business. क्या मतलब हुआ इसका, she had been working at that company for 5 years when it went out of business. इसका मतलब हुआ वो उस कंपनी में 5 साल तक उसने काम किया, जब तक वो कंपनी बंद नहीं हो गई है, जब तक वो कंपनी थी तब तक उसने 5 साल तक उस कंपनी में काम किया. क्लियर है, उसने काम किया 5 साल तक किया, तो उसने कंटिन्यू किया काम 5 साल तक, एक्शन स्टार्ट हुआ और एंड भी पास्ट में ही हो गया. एनी कंफ्यूजन? ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, यू हैड बीन वेटिंग देयर फॉर मोर देन 2 आवर्स व्हेन शी फाइनली अराइव्ड. यू हैड बीन वेटिंग देयर फॉर मोर देन 2 आवर्स. ठीक है, आपने उसका 2 घंटे से ज्यादा वेट किया जब वो फाइनली आई. ठीक है, दैट मींस एक्शन पास्ट में,
हो चुका है, वो आ भी चुकी है, 2 घंटे उसने इंतजार भी कर लिया है, ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पे, क्योंकि एक्शन पास्ट का है तो आपने 2 घंटे वेट किया, हो चुका है ये काम, एक्शन हो चुका है, इस वजह से हैड लगा है। और ये देखिए, यू के साथ भी हैड है, हैड बीन है, शी के साथ भी हैड बीन है। अगर ये प्रेजेंट टेंस होता तो यू के साथ क्या होता यहाँ पे, हैव बीन, वेरी गुड, ठीक है। सो मैं चाहूंगी कि आप भी कुछ सेंटेंसेस बनाएं, ठीक है, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और बिल्कुल मैं उसे चेक करूंगी, अगर कोई कंफ्यूजन हो उसके बाद भी तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, इफ यस आप लाइक बटन को हिट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, राइट, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।